नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय गाजीपुर जिले के तिवारीपुर चौराहा यानी आदिलाबाद के जो मोड़ है मैं वहां पे मौजूद हूं। आपको बता दूं कि यहां पे बहुत ही विशाल जग किया जा रहा है। आप लोग इस जग में आए और इस आयोजन का लाभ उठाएं। मुझे आशा और उम्मीद है कि यहां आने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। यहाँ पर आपको बता दें कि पूज्या देवी प्रेमी सखी प्रेमा सखी दीदी का भी आगमन हो रहा है और यहाँ पे श्री श्री 108 श्री स्वामी सदानंद दास महाराज जी का भी आगमन हो रहा है और आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे पूज्य महाराज जी से मिलते हैं और इस जग की पूर्ण जानकारी आपको देते हैं कि यह जग क्यों कराया जा रहा है और इस जग में आने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं कार्यक्रम यहाँ पर जारी है। लोग झंडा लगा रहे हैं और जो हिंदू सनातन धर्म का रीति रिवाज होता है उस रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। बहुत जोरों शोरों से तैयारी है, बहुत ही विशाल जग का कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे बीच महाराज जी मौजूद हैं और अपनी कुटिया में पधारे हुए हैं। महाराज जी से मिलते हैं और इस जग की पूरी विशेषता बताते हैं, जग कराने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। महाराज जी, आपको चरण स्पर्श करता हूँ और हम चाहेंगे कि महाराज जी जरा एक बार परिचय आप स्वयं दीजिए, मैंने तो बता दिया। मैं सदानंद दास, हनुमान मंदिर धारा नगर सानिंदा मोहम्मदाबाद गाजीपुर में हनुमान जी महाराज का सेवक हूँ। मैं यहाँ हनुमत चौराहा मोहम्मदाबाद में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन जन सहयोग के समर्थन से हर प्रकार से सहयोग से संपन्न करवा रहा हूँ। यह कार्य लोक हित में, परलोक हित में, सबके हित में है। इसका परिणाम लोगों को सदमार्ग में चलने का मिलता है, निगेटिव से पॉजिटिव तरफ झुकाव आता है। इसलिए हमें प्रेरणा मिली श्री हनुमान जी महाराज का, जो कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। महाराज जी, यह जो जग कराया जा रहा है कितने तारीख से चालू होगा और कब इसका समापन किया जाएगा? यह लक्ष्मी नारायण महाजग हनुमत चौराहा मोहम्मदाबाद में होने वाला आयोजन इसी 13 नवंबर 2022 से 21 नवंबर 2022 को संपन्न होगा। कलश यात्रा का बाबा क्या प्रोसेस है, कब चालू होगा कलश यात्रा की जानकारी मिले? कलश यात्रा 13 नवंबर 2022 इसी रविवार को यानी परसों ही प्रारंभ होकर पूरे नगर भ्रमण कर गंगा जी हम लोग जाएंगे, वहां से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर जल लेकर आएंगे। उनकी रिद्धि सिद्धि के हिसाब से बल पर उनके हम लोग यज्ञ को संपन्न कराएंगे। महाराज जी, एक बात बताइए, लोग आस्था से दूर होते जा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आस्था से दूर तो हो रहे हैं, पर पहले से ज़्यादा पूजा पाठ हो रहा है, पर लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही है। दर्शन में कम लोग हैं, प्रदर्शन में ज़्यादा लोग हैं। मैं दर्शन को मानता हूँ, प्रदर्शन को कम मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सज्जन लोग भी हैं, बेहद अच्छा लगा। आप सुजीत भैया जी को जानते होंगे और काफ़ी महाराज जी ने, योगी महाराज जी ने भी इनको प्यार दिया है। बहुत बहुत शुभकामना आपको। भैया जी, क्या कहना चाहेंगे इस जग के बारे में? इस जग को हम पूरे क्षेत्रवासियों से एक संदेश और एक करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि आप सारे लोग आकर के इस जग पूजन में सम्मिलित हों और एक एक आप लोग जन सहयोग का आहुति दें और इस जग से बहुत बड़ा एक विकास होने वाला है और बहुत बड़ा प्रारूप निकल के आएगा आने वाले समय में। हम भैया जी, एक बात बताएं, महाराज जी ने अभी एक बात बहुत अच्छी बात कही, दर्शन और प्रदर्शन, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा है, दर्शन और प्रदर्शन, लोग प्रदर्शन के पीछे पड़े हैं लेकिन आने वाले भविष्य में प्रदर्शन करने वाले जो हैं वो घातक सिद्ध साबित होगा और दर्शन में ही मूल है और हम लोग के परंपरा चली आ रही है। हमारे पूर्वजों बुजुर्गों ने और सनातन धर्म से ही चला आ रहा है कि दर्शन ही मूल है हम लोगों का, इसलिए दर्शन पे ही हम लोग ध्यान दें और युवा पीढ़ी से भी एक संदेश देंगे कि जो युवा पीढ़ी लगी है प्रदर्शन में, वह युवा पीढ़ी आए और दर्शन में लगे, दर्शन में ही आनंद है और अनुभूति ही सुख का एक मार्ग है, आए और दर्शन में लगे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। चलिए महाराज जी से मैं मिलता हूँ, एक जानकारी लेनी है। यदि कोई डोनेट करना चाहे तो क्या इस जग में डोनेट कर सकता है महाराज जी? जी,
अगर कोई देश विदेश से कोई चाह रहा हो ना आ पाए, अगर वो देश विदेश से चाहता हो कि हम डोनेट करें तो कैसे करेगा? ये जन सहयोग के आधार पर यह कार्यक्रम रखा गया है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, लुगा साड़ी, जो भी इसमें ज़रूरत की चीज़ें होती हैं आपके सहयोग से ही संपन्न होगा। महाराज जी, हम चाहेंगे कि पेटीएम नंबर, गूगल नंबर हो तो बता दें, यदि अकाउंट नंबर हो, कुछ भी हो, जैसे वो विदेशों से पैसा आपको यहाँ डोनेट कर सके। मेरा 6392-23-72-44, 6392-23-72-44। महाराज जी, कोई अकाउंट नंबर भी है? चलिए महाराज जी का पेटीएम नंबर तो जान लिया। यदि कोई अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहे, डोनेशन करना चाहे इस जग के नाम पे, तो वो खाते में भी ट्रांसफ़र कर सकता है। चलिए मैं खाता नंबर आपको दिखा दूं। एक बार मैं बता भी देता हूं, आप नोट कर सकते हैं। IFSC कोड लिख लीजिए, AAA02100099। अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर मैं आपको बताता हूँ, 5019016349 6। महाराज जी का नाम आप जान रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है। चलिए मैं नाम भी बता देता हूँ, सदानंद दास। आप जो भी, आपकी जितनी इच्छा हो उतनी कर सकते हैं, कोई मानक नहीं है। चलिए जग आहुति, जग कुंड में बैठने का क्या प्रोसेस है महाराज जी? मैं जहाँ भी जग कराया हूँ वहाँ पे मैं जग कुंड का कोई मानक निश्चित नहीं करता, क्योंकि यह जितना भी व्यवस्था हुई है सबके जन सहयोग से ही प्राप्त हुआ है। तो मेरी अंतरात्मा नहीं बोलती है कि कुंड पर उसी सामान को हम फिर बिक्री करें। इस उद्देश्य से मैं किसी से कोई भी राशि उस रूप में नहीं लेता हूँ। हाँ, यज्ञ संपन्न कराइए जो आपकी श्रद्धा हो, यज्ञ में अधिक से अधिक सहयोग कर संपन्न कराने की कृपा प्रदान करें। थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच वकील साहब हैं, वकील साहब से भी कुछ हम जान लेते हैं। वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे इस महाराज जी के बारे में और ख़ास तौर से जग के लिए? जग के बारे में यही कहना चाहेंगे कि लोग जो है धर्म में आस्था रखें। लोग आजकल ये चाहते हैं कि तुरंत रिजल्ट आवे, और आस्था में उनकी कमी हो जाती है। आस्था में संशय का कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो लोग पूर्ण विश्वास से यज्ञ में आवें, उनका कल्याण होगा और वो पुण्य के भागी होंगे। और हम चाहेंगे कि सारे जिन लोगों को ये आवाज़ सुनाई पड़े या जानकारी हो, उनसे निवेदन है कि वो यज्ञ में आवें और पुण्य के भागी बने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और मैं बता दूं कि बगल में एक बाबा जी हैं, और इनसे भी हम जान लेते हैं। बाबा, इस जग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये सदानंद जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम 6 महीने से चल रहा है। इस कार्यक्रम का रूप जग का, इस क्षेत्रवासियों से अनुरोध है और यहाँ की जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकत्रित होकर के और इस हनुमत चौराहे के नाम से इसको फेमस करके, और एक इस अदलाबाद और इस क्षेत्र के लोगों ने मोहम्मदाबाद की धरती पर ये दिखा दें कि सदानंद महाराज की जग जो है एक इस जिले में आने संतुष्ट और सरपरी जग है, और निष्पक्ष भाव से ये जग की जा रही है, जिसके इस क्षेत्र की जनता संतुष्ट हो जाए और इस पर कोई कहना नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और मिलके आप लोगों से बहुत अच्छा लगा। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों की जग सफल होगी। और एक बात बताइए, कन्याओं का जैसे काउंटिंग करके है या फिर अनगिनत है, जो चाहे वो आ सकता है? नहीं, कन्याओं का आना जो है 1008 कलश है जी, बाकी अगर कन्याएं बढ़ भी जाती हैं तो वो सर्वोपरि है, वो मान्य है, उस पर कोई बहस नहीं। थैंक यू, यही होना चाहिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। चलिए महाराज जी से मिलते हैं। अंत में ये अपील है, आग्रह है, निवेदन है जनता जनार्दन भाइयों बहनों से कि इसी 13 यानी परसों कलश यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में आएं, और जो भी श्रद्धालु लोग हवन कुंड पर बैठना चाहते हैं अधिक से अधिक संख्या में वो आकर बैठें, इसका भाग लें। इसका कोई शुल्क नहीं है, श्रद्धा से आइए और अपना
भगवान को आहुति दीजिए, इसी में आशा करता हूँ। महाराज जी यात्रा कहाँ तक जाएगी? यह यात्रा जग स्थल से नवापुरा मोड़ होते हुए गंज होते हुए मार्केट जाएगी, विट्ठल चौराहा से तहसील होते हुए धारा नगर होते हुए सानिदा मोहम्मदाबाद होते हुए महादेवा घाट की तरफ गंगा जी के तट पर प्रस्थान करेगी, वहाँ से जल लेकर पुनः जग स्थल पर हम लोग आ जाएंगे। चलिए, मैं मीडिया से आग्रह करूंगा कि मीडिया की जितनी भी टीम है 13 तारीख को सुबह रविवार पहुंचे और इस जग को शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाने का प्रयास करें। मैं मीडिया भाई बंधुओं से आग्रह करूंगा कि जो कलश यात्रा है आदिलाबाद चौराहा से नौपुरा और विट्ठल का मोड़ होते हुए महादेवा घाट को जाएगी, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया भाई बंधु पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बेहद नज़ारा है, बहुत साफ सफाई यहाँ पे की गई है। लगातार महाराज जी ने बताया कि 6 महीनों से कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, बहुत ही विशाल जग हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इस जग को सफल बनाए। चलिए, मैं उधर दिखाता हूँ, महाराज जी की कुटिया की पूरी तैयारी है और यहाँ पे दान पेटिका भी लगाई गई है और महाराज जी का यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं, फोटो भी लगाया गया है, तस्वीर भी लगाया गया है आशीर्वाद देते हुए। और यहाँ दान पेटिका है, जो भी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं अपनी श्रद्धा अनुसार यथाशक्ति तथा भक्ति और यहाँ पे काफ़ी दान पेटिका है, लोग आ रहे हैं और दान पेटिका में अपनी जो तमन्ना है, जो इच्छा है, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इधर मैं दिखा दूँ, यहाँ पे ये कुटिया बनाई गई है, राम दरबार है जी, इसमें महात्मा जी बैठेंगे जी और इसमें आसन लगाएंगे जी और साइड से यानी कुर्सियां लगाई जाएंगी जी और बीच में मैट बिछाया जाएगा जी। जो लोग अगर दर्शन करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, वो महाराज जी के सामने ही बैठ करके ही जो भी उनकी इच्छा होगी वो दान कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, ये कलश है। हाँ, ये कलश है और ये राम, यहीं से हमारी बहनें आएंगी और कलश लेंगी और महादेवा घाट तक पहुंचेंगी और जल का कार्यक्रम चलेगा। चले, मैं आपको दिखा दूं, उधर घोड़ा भी है, घोड़ा भी है महाकाल का, कटारी बाबा महाकाल का घोड़ा भी, कटारी बाबा है जी, कटारी बाबा। चलिए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है बाबा? बहुत सुंदर। हाँ, जग से क्या होता है, कुछ फायदा वायदा होता है? खुशहाल दुनिया का पुण्य होता है। अच्छा, दुनिया का सुखी मिलता है। अच्छा, और क्या मिलेगा, सुख मिलता है जग करने, शांति मिलता है, तपोबल बढ़ता है, वातावरण साफ होता है, ये जग करना चाहिए। हाँ, जग करना चाहिए, जप और तप। जप और तप में बाबा क्या अंतर है? अंतर है, कोई उस चीज का खाता है, कोई कच्चे खा जाता है। अच्छा, चलिए मैं दिखाता हूँ बाबा का कुटिया और बाबा का घोड़ा। मैं बाबा का घोड़ा दिखाऊंगा, अंदर चलता हूँ, ये देख लीजिए, ये है बाबा का घोड़ा, बिल्कुल कला है सर। चलिए, मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेता हूँ विराम, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से 108 कलश यात्रा और रविवार को चलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेता हूँ विराम, तब तक के लिए धन्यवाद। और यहाँ पे बच्चों का खिलौना, बच्चों का टॉय का भी व्यवस्था है, तो आप लोग आए भी है, झूला का भी व्यवस्था किया है, बड़ा झूला, छोटा झूला, अच्छा सब लग रहे हैं, स्टैंड की व्यवस्था की गई है। अच्छा, बच्चों की उस पर झूला लगेगा, मतलब कल सब लग जाएगा, सब लग जाएगा, जो यहाँ से खुश होके जाए, हम लोग का ये सिद्धांत है कि जो यहाँ से खुश होके जाए। चलिए, मेला का आनंद लीजिए, मेला भी लगेगा। हाँ, मेला भी लगने जा रहा है, मेला को सुरक्षित ढंग से लगवा करके यहाँ के जनता को संतुष्ट कर दिया जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, लेता हूँ विराम।